हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों हुए उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि आगामी 2019 के चुनावों में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर लोगों का रुझान क्षेत्रीय पार्टी की तरफ बढ़ा है और यह रुझान तीसरे मोर्चे के गठबंधन की ओर संकेत करता है। चौटाला ने कहा कि सभी किसान वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए क्षेत्रीय पार्टी एकजुट होकर तीसरे मोर्चे का गठन करें। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज देश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा के बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है, एक चीज तो निश्चित है कि लोगों का विश्वास दोबारा से उसी मजबूती के साथ रीजनल पार्टीज की ओर गया है। और 2019 में रीजनल पार्टीज इस देश के अंदर अपने दम पर सरकार बनाने का काम करें। जिस तरीके से तेलुगु देशम पार्टी ने, वाईएसआर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया है, ये संदेश है कि जो लोग अपने आप को मेजॉरिटी में मानते थे, आज उन लोगों को मेजॉरिटी गठबंधन प्रूव करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और ये मैंडेट जो मेजॉरिटी का लोगों ने दिया था, आज इस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बनाने में भी लोगों का ही मैंडेट सामने आया है कि लोगों को ना तो अच्छे दिन दिखे, ना 15 लाख के जुमले दिखे, ना ही लोगों को रोजगार और विकास की बात सामने देखने को मिले। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप सबको भली भांति पता है कि किस प्रकार जो एनसीआरबी के डाटा सामने आए उसके अंदर हरियाणा ने बिहार को भी मात देने का काम किया है। चाहे वो रेप की घटनाएं हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात हो, चाहे वो लूट डकैती चेन स्नैचिंग जैसे मामले, और इस पूरी हिंसा के उन तौर पर जिम्मेवार खुद मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनके पास आज प्रदेश का गृह मंत्रालय है। आज मुख्यमंत्री को स्वयं अपनी जिम्मेवारी मांग कर प्रशासन के अंदर जो फेलियर है उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जो एनसीआरबी के डाटा सामने आएंगे उसके अंदर हरियाणा कहीं ना कहीं आज नंबर 3rd, 5th, 7th पे है, हमें नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। मगर एक चीज सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, उनने 3 सालों में एक महकमे में सैकड़ों करोड़ रुपया खाने का और खिलाने का काम किया है। और खाने खिलाने का नहीं, जिन लोगों ने खाने की शुरुआत करी आज उन लोगों को सरकार द्वारा बड़े बड़े पदों पर बिठाने का भी काम किया है। सीएजी जी की रिपोर्ट में 22 के 22 हरियाणा प्रदेश के जिलों के अंदर एक नहीं अनेकों डिस्क्रिपेंसी सामने आई है, और हम एक एक चीज विद आरटीआई रिप्लाइज और एविडेंस मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और ये मांग करेंगे कि उस पूरे स्कैम का सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि इसके अंदर खुद सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े आला अधिकारी स्वयं इन्वॉल्व हैं जिनने इस प्रदेश को लूट खाने का काम।